हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण टेक कैपिटल। आज का टॉपिक बिजी सॉफ्टवेयर के ऐसे फीचर के बारे में है जिसके यूज से आप अपनी कंपनी के सेल्स इनवॉइस के डिलीटिंग मॉडिफाइंग को रोक सकते हैं। आज आपको उस फीचर के बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने अमित को सेल्स काउंटर पर रखा है, आपने सुपर यूजर से कंपनी ओपन करनी है। कंपनी ओपन हो जाने के बाद में आपने यूजर क्रिएट करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताते हैं। अभी आप अपनी कंपनी के होम पेज पर हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स, यहाँ पर ऐड मॉडिफाइड लिस्ट ऐड को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। अब यहाँ पर आपने यूजर जो आपका अमित है उसका नाम, पासवर्ड, रीचेक पासवर्ड, डिपार्टमेंट सेल्स, अलाउ प्राइसेस चेंज इन वाउचर, वाउचर में प्राइस चेंज करने के लिए नो, और यहाँ पर सिलेक्ट सेल्स, अलाउ डिस्काउंट चेंज, अगर डिस्काउंट को चेंज नहीं करना है तो एन कर दीजिएगा, एन नो, और इसको इसका भी कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स चेक कीजिएगा। अब इसके बाद में राइट हैंड पर आपने सभी कॉलम्स, सभी बॉक्स को अनचेक कर देना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन को आपने चेक रखना है। अब यहाँ ट्रांजैक्शन में सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज पेमेंट, रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, इसमें आपने जो जो अमित को देने हैं, आपने जो ऑथराइज करना है अमित को उसको चेक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रा को और कर रहे हैं, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट। अब इसको सेल्स में ऐड कर सकता है, देख सकता है लिस्ट और व्यू, और इसी तरह से परचेज में ऐड और मॉडिफाई को अनचेक कर देंगे, डिलीट नहीं कर सकता है और मॉडिफाई नहीं कर सकता है और कैंसिल भी नहीं कर सकता है, इसको भी अनचेक कर दीजिएगा। और इसी तरह से सेल्स रिटर्न में इसमें ऐड को और लिस्ट और कैंसिल को अनचेक कर दीजिएगा, ऐड रहने दो, लिस्ट रहने दो, व्यू रहने दो। इसी तरह से पेमेंट में ऐड कर सकता है लिस्ट और व्यू, इसी तरह से रिसीट का भी ऐड और लिस्ट और व्यू, और बाद बाकी को अनचेक कर दीजिएगा। और कॉन्ट्रा में भी ऐड और लिस्ट एंड व्यू, इनको चेक रहने दीजिए, बाद बाकी को अनचेक कीजिएगा। इसके बाद में आप सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद में अब देखिए कि अब हम अमित की खोलते हैं, अमित का स्विच यूजर में जाके यूजर नेम अमित और पासवर्ड लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेंगे अब ये अमित का ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन में सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसीट और कॉन्ट्रा, और कुछ भी नहीं है, वो ऐड कर सकता मॉडिफाई और लिस्ट। अब एक सेल्स वाउचर
सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, जीएसटी मल्टीपल जीएसटी को चूज करते हैं। अब यहाँ पार्टी का नाम मान लीजिएगा कैश में ही बना रहे हैं, कैश और यूनिट आइटम है एचपी लैपटॉप क्वांटिटी 1 और दूसरा प्रिंटर 1 और तीसरा ओप्पो हैंडसेट 1 और इसकी अब ये देखिएगा 64,000 है और इसके जीएसटी मल्टीपल जीएसटी यानी कि 12% 18% और 12% की है, दो तरह की जीएसटी है, इसलिए मल्टीपल जीएसटी का इन्वॉइस है। इसको अब इसका प्रिंट इन्वॉइस देखते हैं, प्रिंट देखते हैं, प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू में आपका ये सेल्स वाउचर सेल्स इन्वॉइस है। इस इन्वॉइस में आपकी ये जीएसटी और ये टोटल अमाउंट है 74,560 का। अब इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद में अब इसको देखते हैं कि डिस्प्ले में सेल्स और लिस्ट को ओपन किया और डेट 14 ये डाल रहे हैं। अब ये देखिएगा 14 में एक इनवॉइस है, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में अब इसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई नहीं होगा, यू डोंट हैव द परमिशन टू चेंज द प्राइस, तो प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इसे चेंज कर सकता है। अब इसी तरह से मॉडिफाई के लिए मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में अब इसमें मान लीजिएगा कि एक और हम बढ़ाते हैं, एक यूनिट एक आइटम और बढ़ाते हैं, मान लीजिएगा कोई सा भी एचपी लैपटॉप ही लिख देते हैं, यहाँ पर आप 1 और ये रेट आ गया। अब इसकी यहाँ से सेव का सेव नहीं हो सकता है, अब इसे अगर हम डिलीट भी नहीं करते, यू डोंट हैव द राइट टू डिलीट द वाउचर, आप इस वाउचर को डिलीट करने का आपके पास में अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आपका ये वाउचर एक बार बनाने के बाद में डिलीट नहीं हो सकता है, ना मॉडिफाई होगा और ना डिलीट होगा, सिर्फ हमें से वो देख सकता है, ऐड कर सकता है, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ना वाउचर डिलीट कर सकता है, ना कैंसिल कर सकता है। फ्रेंड, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।